मामला मध्य प्रदेश के बाहुल आदिवासी क्षेत्र झाबुआ जिले के मेघनगर का है, जहां आज हिंदू युवा जनजाति संगठन ने केमिकल फैक्ट्रियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम अनुभागीय अधिकारी मेघनगर को सौंपा गया। केमिकल फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले केमिकल युक्त पानी व धुएं से मेघनगर व आसपास के ग्रामीण इलाकों में हो रही जीव जंतु की मौत व नुकसान की रोकथाम को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के साथ यह हिंदू युवा जनजाति संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा ये चेतावनी भी दी गई कि अगर जल्द ही इस समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो आगे धरना प्रदर्शन व आंदोलन भी किया जाएगा। इस अवसर पर हिंदू युवा जनजाति संगठन के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। झाबुआ से संदीप खत्री की रिपोर्ट। माजला में नदी में खाड़ में जड़े थी पर खत्म ये बात करी फिटरी के बंद करो के पास एक डाउन एक मेर करो पानी जो गंदो। आपकी मांग क्या है? फैक्ट्री बंद करना? फैक्ट्री बंद नहीं करी है, एक मेर कर लो तो बंद होगा करे नहीं तो जरूर बंद करवी। सही इतनी बात है बंद करो बता रहे। ज्ञापन हमने मुख्यमंत्री महोदय के नाम से दिया है। वो मेघनगर से जो केमिकल प्लांट चल रहे हैं का पानी हमारे ये आसपास के क्षेत्र होता है गारे नाले में जा रहा है, उधर पीछे रेलवे फाटक से होकर बेड़ावली होके राखड़िया नाले में जाके मिलता है और यहाँ से हमारे जो जंगल में जितने भी जीव जंतु हैं वो सब मर गए हैं। आसपास के मवेशी जो हम खेती करते हैं बेल वगैरह वो भी मर चुके हैं सिर्फ ये पानी के कारण। और हमने ये आज पहली बार आवेदन दिया, ऐसा नहीं हमने गए साल भी हड़ताल पे भी बैठे थे हम, हमने उसको सिर्फ आश्वासन देके लोगों ने ये बोला कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं। आज भी हमने ज्ञापन दिया है, हमने 8-10 दिन का हमने समय मांगा है। अगर 8-10 दिन के अंदर अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगे और कड़े कदम उठाने के डिसीजन में। और जैसे हमारे हिंदू युवा जनजाति संगठन यहाँ के लोगों के लिए हमेशा लड़ रहा है वैसे आगे भी लड़ता है, लेकिन समस्या अगर सोल्व हो जाए तो ज़्यादा अच्छा।